press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मार्बल फ्लोरिंग डिजाइन इमरान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रेनाइट फ्लोरिंग डिज़ाइन। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, हम बात करेंगे ग्रेनाइट फ्लोरिंग डिज़ाइन की। तो दोस्तों, ऐसी जब ग्रेनाइट फ्लोरिंग डिज़ाइन हम बनाते हैं तो इसमें खर्च कितना आता है बनाने में, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे के निशान को भी दबाएं। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिज़ाइनिंग बनी है, ये ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई डिज़ाइनिंग है फ्लोरिंग के अंदर। आप जो ये ब्लैक वाला पत्थर देख रहे हैं दोस्तों, ये भी ग्रेनाइट पत्थर है। और जो 1.5 इंच की पट्टी है जिससे इसके अंदर डब्बे बनाए हैं, ये भी ग्रेनाइट की पट्टी है। और जो 1.5 इंच की पट्टी के सहारे से एक पट्टी और आ रही है, जो ग्रेनाइट की आप पट्टी देख रहे हैं, तकरीबन 3 सूत की यह पट्टी है, तो ये भी ग्रेनाइट वाली पट्टी है। अब दोस्तों, जो बीच के अंदर आप वाइट पट्टी देख रहे हैं, जो डिज़ाइनिंग दी है बीच में वाइट की, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्बल चिप्स दी है, और वाइट सीमेंट के अंदर दोनों को मिला के, मार्बल चिप्स और वाइट सीमेंट मिला के यहाँ पे इसके अंदर भराई की हुई है। तो ऐसी डिज़ाइनिंग अगर हम अपने घर के अंदर बनवाएंगे तो इसका खर्च कितना आएगा वो भी मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों, जब भी हम ऐसा अपने घर के अंदर काम करवाएंगे, अगर ऐसी डिज़ाइनिंग का काम अपने घर के अंदर भी करवाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप 1.5 इंच की पट्टी देख रहे हैं ग्रेनाइट की जिससे डब्बे बनाए हैं, ये पट्टी रेनिंग ना पाती है। और जो आउटलाइन के लिए जो पट्टी दी है ब्लैक वाली 3 सूत की, ये भी रेनिंग ना पाती है। और बाकी का जितना भी आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये स्क्वायर फिट के अंदर आती है। तो इनकी सबकी अलग अलग रेट होती है, स्क्वायर फिट की अलग रेट होती है, और जो रनिंग नाप आता है उसकी भी अलग रेट होती है। तो इसके अंदर नाप गिने जाते हैं, जैसे अगर 2 पट्टी चलाई है तो 2 के नाप होंगे, और अगर 3 पट्टी चलाई है तो उसका अलग नाप होगा। तो दोस्तों, ये जो डिज़ाइनिंग का नाप होता है, जितनी हम डिज़ाइनिंग डालते हैं, जितनी हम पट्टी बना के और फिटिंग करते हैं, तो उतनी पट्टी का नाप होता है। जैसे 3 पट्टी 4 पट्टी 5 पट्टी जो भी डिज़ाइनिंग के लिए हम पट्टी डालते हैं, तो सभी पट्टियों का अलग अलग नाप होता है, और रनिंग नाप आता है इसका, और बाकी का स्क्वायर फिट होता है। अब दोस्तों, इसके अंदर जो आप फ्लोरिंग के अंदर जो नाप देख रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि 1.5 इंच वाली पट्टी आप देख रहे हैं, इसका एक नाप, और जो आउटलाइन के लिए जो 3 सूत की पट्टी दी है ब्लैक वाली, उसका दूसरा नाप, और बाकी का पूरे का स्क्वायर फिट। तो दोस्तों, इसके अंदर 3 नाप है, स्क्वायर फिट और 2 रनिंग नाप। तो अगर इनको तीनों को हम साथ में मिला के अगर इसका रेट का एक आइडिया निकालेंगे, इसकी रेट कितनी पड़ती है ऐसी फ्लोरिंग डिज़ाइन अगर हम अपने घर में बनवाएं तो दोस्तों, इसका आइडिया निकालेंगे और इसकी रेट का अगर पता लगाएंगे, तो तकरीबन 80 रुपये स्क्वायर फिट ये डिज़ाइनिंग बनती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में करवाएँगे ऐसी डिज़ाइनिंग, तो 80 रुपये स्क्वायर फिट आपके घर के अंदर ये डिज़ाइनिंग बनेगी। तो दोस्तों, ये जो डिज़ाइनिंग है, आप इसको अपने हॉल के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर, अपने गेस्ट रूम के अंदर, कहीं पर भी आप ऐसी डिज़ाइनिंग बनवा सकते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग बहुत शानदार डिज़ाइनिंग है, तो आप भी बनवाएं अपने घर के अंदर ऐसी डिज़ाइनिंग दोस्तों। तो ये जो डिज़ाइनिंग है, वेस्टेज ग्रेनाइट के अंदर से भी ये डिज़ाइनिंग बन सकती है, तो आप भी ऐसी डिज़ाइनिंग अपने घर के अंदर बनवाएं। तो चलो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ और ऐसे ही वीडियो के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को आप लाइक कर दें।